नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बायोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। पहला ब्रांच है साइंस, द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ नॉलेज और सिस्टमेटिक नॉलेज, दैट इज़ नॉलेज थ्रू प्रोसेस। सेकेंड है बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है जूलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टोटल जनरल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स इंक्लूडिंग शेप, साइज एंड अपियरेंस। नेक्स्ट है एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर कटिंग और डिसेक्शन। हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है एक्रोलॉजी, एक्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। नेक्स्ट है एक्टिनोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एरियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री, द ब्रांच डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज्ड ऑन विच हर्ब्स, क्रॉप्स एंड ट्रीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। एग्रोनॉमी, साइंस विच डील्स विद द क्रॉप प्लांट्स। एग्रोस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस। एंजियोलॉजी, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। एपीकल्चर, स्टडी ऑफ बी कीपिंग। एरिनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रॉग्स। बायोकेमिस्ट्री, the branch of science which deals with the study of chemical reactions in relation to life activities. Next, biometrics, statistical analysis of different results of biological experiments. Biotechnology, the use of biological organism in commercial process for producing fine chemicals such as drugs, vaccine and hormones. Bryology, study of graphites. Carcinology, study of crabs and crustaceans. Cardiology, study of hearts. Next, chondrology, study of cartilage. नेक्स्ट है कर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स। नेक्स्ट है क्राइडोलॉजी, स्टडी ऑफ कोलेंटेटा। स्टडी नेक्स्ट है कॉनकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। कॉर्नियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किल। नेक्स्ट है क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन लाइफ एट वेरी लो टेम्परेचर। डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ शर्ब्स एंड ट्रीज। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन्स। इकोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एंडोक्रोनोलॉजी,
स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ इंजाइम। इथनोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स। इथोलॉजी स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ एनिमल और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। इटियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज। यूजेनेसिक्स स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ हेरिडेटरी। यूफिनिक्स स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय ड्रग ट्रीटमेंट और जीन इंजीनियरिंग। यूथेनिक्स स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट। इवोल्यूशन द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू फ्रॉम ओल्ड। एक्सोबायोलॉजी स्पेस बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज एक्सोबायोलॉजी। फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर्स यील्डिंग प्लांट्स। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस। जेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। गायनोकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हेलमिंथोलॉजी स्टडी ऑफ हेलमेंथिस। हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड्स एंड अदर रेप्टाइल्स। हाइपोलॉजी स्टडी विच डील्स विथ स्लीप। हिस्टोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ टिश्यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।